This program is brought to you by This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host, Tariq Khan आज हम बात करेंगे फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रिकमेंडेशन पे हमारे साथ मौजूद हैं शेख शकील अहमद डिंगरा साहब जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं इस वक्त एफ सी सी आई इज़ एन एपेक्स बॉडी पूरे पाकिस्तान के तमाम ट्रेड बॉडीज़ चैम्बर्स सब मिल के एक फेडरेशन बनाते हैं जो कि तमाम बिजनेस एंड इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को रिप्रजेंट करता है दिस इज़ द हाइस्ट बॉडी ऑफ बिजनेस कम्यूनिटी इन पाकिस्तान इनके पास क्योंकि ये बहुत बड़ी बॉडी है इनके पीछे बहुत बड़े रिसर्च टीम है और ये तमाम इश्यूज जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं इस पर मुसलसल रिकमेंडेशन देते रहते हैं इनके रिसर्च टीम ने जो रिकमेंडेशन दी हैं उस वो क्या है वह समझने के लिए हमने आज डिंगर साहब को दावत दी है जो कुछ हमारे पास पॉइंट्स आए हैं जो कि हम आपको अब स्क्रीन पर भी दिखाएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमने पाँच छः पॉइंट्स उनसे ही बात कर सकते हैं टाइम नहीं है इतना तो आ, मैं स्टार्ट करूंगा आ, उनसे पूछना साहब पहला जो आप लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है हाईलाइट किया है वह है एफ डिमांड सिंगल डिजिट सेल्स टैक्स आपका बहुत मेहरबानी कि आपने बुलाया है और मुझे ये, ये मौका दिया है सबसे पहले ये वन सिंगल डिजिट टैक्स की जो हमारी डिमांड है या जो हमने आप उनको सजेशन दिया है उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फेडरेशन का स्ट्रक्चर बता प्लीज, फेडरेशन का स्ट्रक्चर ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो ट्रेड बॉडीज हैं चैम्बर्स हैं चैम्बर्स जो होती हैं वो एरिया स्पेसिफिक होती हैं यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती हैं और एसोसिएशन जो होती हैं वो ट्रेड स्पेसिफिक होती हैं ऑल ओवर पाकिस्तान अच्छा और इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो लाइसेंस देती है टू ट्रांजेक्ट द बिजनेस और टू फॉर्म अ अम्बर और एन एसोसिएशन और उस लाइसेंस की पहली शर्त ये होती है कि दिस लाइसेंस विल रिमेन वैलिड इफ यू बिकम अ में फेडरेशन विद इन थर्टी डेजा मस्ट तो तमाम पूरी पाकिस्तान की चैम्बर्स जो तकरीबन फोर्टी थ्री हैं और हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट एसोसिएशन जो कि स्पेसिफिक ट्रेड रिलेटेड है वो तमाम हमारी मेम्बर्स हैं चैम्बर में जनरल बॉडी यानी जनरल मेंबर जो है वो जाके एक अपनी मेंबरशिप ले सकता है हमारे पास जितने भी मेंबर फेडरेशन के हैं दे आर ऑल इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी वो अपनी अपनी एसोसिएशन और अपनी अपनी, अपनी चैम्बर से जिनके इलेक्शन जो हैं सेप्टेम्बर में कम्प्लीट हो जाते हैं नई बॉडी आ जाती है तो नई बॉडी जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करके दो अफराद को फेडरेशन के ऊपर नॉमिनेट करती है एक जनरल बॉडी पे और एक एग्जेक्टिव कमेटी पे और जब सितंबर में उनकी इलेक्शन खत्म होते हैं तो अक्टूबर से फेडरेशन के इलेक्शन शुरू हो जाते हैं जो कि दिसंबर में जाके एंड होते हैं ये तो एक स्ट्रक्चर था कि ये फेडरेशन जो है ये बॉडी है और पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करती है जहां तक तल्लक है हमारे सजेशन का का सेल्स टैक्स वन आप ये सही है बात कि आप लोगों के पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम भी है और एक्सपर्ट्स आपने रखे हुए हैं जी बिल्कुल रिसर्च टीम है पी हैं हमारे पास और ये भी जो हमने वर्किंग की है ये एक बहुत अच्छी वर्किंग है जिसकी मैं थोड़ी सी तफसी में आपको बताऊंगा कि आप ये देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ब्लैक इकनॉमी या पैरल इकोनॉमी जिसको कहते हैं उसका हुजम जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस वक्त पोजिशन ये है कि फिफ्टी परसेंट से ज्यादा जो है वो ब्लैक एकनौमी। एकनौमी। या पैरल इकोनॉमी अच्छा।, अच्छा स्मगलिंग जो है वो अनप्टेड जा रही है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ये इनको रोक सके नंबर दो यानी ये मैं आपको वजूहत बता रहा हूं कि हमने नौ परसेंट क्यों सजेस्ट किया है नंबर तीन इनका जो रेट ऑफ सेल टैक्स है वो सिक्सटीन परसेंट भी है और दूसरे रेट्स भी हैं यानी कि बाज आइटमों पर प्लास्टिक दाना जैसे है उसके ऊपर बाईस परसेंट प्लस तीन परसेंट पच्चीस परसेंट सेल टैक्स रेट है तो और प्लस ड्यूटी है प्लस विद होल्डिंग टैक्स है

और वो कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी और फिर ट्वेंटी तो पच्चीस तो तो परसेंट तो तक अगर टैक्सेशन किसी एक आइटम पे हो जाए टोटल तो हमारा ख्याल है कि वो अपना स्मगलिंग और ब्लैक रिजीम से निकल के रेगुलर जो है रिजीम में आ जाएगा हमने एक प्रेजेंटेशन भी दी उनको बताया कि अगर आप ये सिंगल डिजिट के अंदर और कोई रास्ता नहीं है देखें जो अपना ड्यूटी रेट्स हैं वो मैक्सिमम थर्टी फाइव हैं लेकिन पांच भी हैं जीरो भी हैं दस भी हैं असल जो हर्ट करता है ना वो सेल्स टैक्स का रेट जो है ना वो हर्ट करता है जैसे एक प्लास्टिक्स है प्लास्टिक पे हमने उनको बताया है कि आप देखें मिनिमम मिनिमम विद विदिन टू थ्री मंथ्स के अंदर ईरान से एक लाख टन से ज्यादा ये पेट्रोकेमिकल गुड्स जो हैं स्मगलिंग हुई हैं और कोई उसको रोकने वाला नहीं है इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इसको रोका जाए तो उसका एक ही तरीका कार है उसका टैरिफ के, के जरिए उनको रोका जाए टैरिफ अगर भी ये भी सिंगल डिजिट में आता है सेल्स टैक्स इसके बहुत सारे असरा बहुत जगह पे होंगे एक असरा तो ये होगा कि सेल्स टैक्स जो है वो कंज्यूमर टैक्स है ये टैक्स ऐसा नहीं है जो कि इंडस्ट्रीज पे या बिजनेसमैन पे लगता है ये टैक्स जो है पास ऑन हो जाता है मासिस पे और कंज्यूमर्स के ऊपर एक तरफ तो ये फायदा होगा अगर इसका रेट नौ परसेंट कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन कम होगी और आम लोगों को चीजें जो हैं वो कम रेट पे मिलेंगी अच्छा नंबर इसका क्या होगा कि इंडस्ट्रीज चलेंगी स्मगलिंग बंद होगी तो जॉब क्रिएशन होगी जॉब क्रिएशन होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी ये देखे तमाम चीजें जो नहीं है एक जो दूसरे से पॉइंट बड़ी अच्छी है कि

सेल्स टैक्स मिला था हाई रेट पे उससे जार्थ बहुत ज्यादा जार्थ मिलेगा इनको क्योंकि ये जो ब्लैक रिजीम है ये वाइट रिजीम में आनी शुरू हो जाएगी और एक चीज और आपको मैं बताऊं हमने वर्किंग देखी है ये इफेक्टिव रेट इज सिक्सटीन परसेंट सेल्स टैक्स का लेकिन किटी में क्या जाता है यानी गवर्नमेंट को वसूल क्या होता है जो आखिर खजाने में जाता है वो क्या अमाउंट है दैट इज थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट वो बाकी रेस्ट जो जाता है वो रिफंड में चला जाता है गलत इनपुट एडजस्टमेंट्स में चला जाता है फेक एंड फ्लाइंग इन्वेस्ट में चला जाता है लोगों की जेबों में चला जाता है गवर्नमेंट को जो मिलता है इफेक्टिव रेट वो पौने चार परसेंट है तो हमने कहा कि एक साल आप बजाय जेबों का सोचने के पाकिस्तान के लिए सोच लें पाकिस्तान के अवाम के लिए सोच लें ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा इससे ना कि सिर्फ देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है की वजह से इंडस्ट्री बंद होती है अब और बंद क्यों होती जॉब क्रिएशन नहीं होती तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं बिजली नहीं है गैस नहीं है हर चीज है मिसमैनेज है तो हम तो उनको हर चीज के अंदर मशवरा देते हैं कि जिस चीज में आपको जरूरत हो हर जगह पे आप जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स के बंदों को साथ रखें वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इसको मैनेज करने के लेकिन उसमें ये है वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो उनका खत्म हो जाता है बिल्कुल सही कह रहे हैं अच्छा सेकंड जो आपने रिकमेंडेशन uh, दी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी बाय द साइज ऑफ कैबिनेट मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ पब्लिक कंपनीज कैपिंग ऑफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड एंड वीआईपी कल्चर बड़ा बिल्कुल हमने कहा है और हमने इसके अलावा भी कहा है हम जब इस्लामाबाद में हफीज़ शेख साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे मौजूद थे तो वहां पे ये एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के ऊपर भी बात हुई एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में जो चीज़ें आपने बताई हैं ये भी डेफिनेटली कम होनी चाहिए और अखराजात जो हैं देखिए अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए आप जो अगर अपने वसाइल से ज्यादा अखराजात करेंगे तो आपका यही याद होगा कि आप भीख मांगते फिरेंगे और उसको पूरा करने की या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उनको आप कट करेंगे, कट करेंगे। अब हम देखिए इसके अलावा इन चीजों के अलावा जो अखरा है स्टील मिल कितना खा रही है पी आई ए कितना खा रही है रेलवे जो है वो कितनी अमाउंट खा रही है ये तमाम चीजें इतना हर्ट कर रही हैं और यही इन्फ्लेशन की वजह है कि इनको पूरा करने के लिए कार नोट छाप रहे हैं सही और है। आपको पता है कि एक साल में एक हजार बिलियन रुपए के नोट ये छाप रहे हैं और ये भी मैं आपको बताऊं कि जब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एक था और उस वक्त इन सर्कुलेशन जो करेंसी थी पाकिस्तानी करेंसी यानी पाकिस्तानी नोट्स जो हैं वो ओनली सिक्स बिलियन थे टोटल ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में और आज तीन बिलियन जो है रोज के छप रहे हैं तो महंगाई कैसे नहीं होगी महंगाई कैसे नहीं होगी इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी सारी एडजस्टमेंट होती चली जा रही है बिल्कुल एडजस्टमेंट होती जा रही है तो उन्होंने वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर वॉज इनफ और उन्होंने क्या किया, किया कि हम एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एक कमेटी बना दी तो अभी लास्ट संडे को वो सारा दिन हमारे फेडरेशन में रहे हैं शायद आपके इलम में हो फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुबह ग्यारह बजे आए साढ़े तीन बजे वो गए हैं लंच मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर फेडरेशन के अंदर पूरे पाकिस्तान के चीदा चीदा और तमाम इंडस्ट्रियस्ट और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मौजूद थे वो अपने कंसर्न्स जो हैं वो उनको बताते रहे वो वहाँ बजट अनाउंस करने नहीं आए थे वो मकसद है कि हमारी इनपुट लेने आई थी और वो इनपुट जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स ने बड़े अच्छे अंदाज में अपने कंसर्स जो हैं वो उन तक पहुंचाए हैं लेकिन वहां ये भी हमने कहा कि आपने एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पे कमेटी बना दी और उस कमेटी को कहा था कि रिपोर्ट विद इन थ्री वीक्स और उसकी मीटिंग ही आपने कॉल नहीं अगर की अभी तक तो वो कैसे हम आपको दे वो देंगे <laughs> वो नौ कमेटियां उन्होंने बनाई थी उन नौ कमेटियों में से तीन चार की मीटिंग्स कॉल हुई हैं बाकी की मीटिंग्स कॉल नहीं हुई तो ये तो एक सिर्फ

हम फर्स्ट मंथ से ये तो इंश्योर करेंगे कि ये सब्सिडी हम आपसे ना लें लेकिन हमें फ्री हैंड दें हम और इसको दोबारा प्रॉफिटेबल लेके आएंगे लेकिन बात वही है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है वेस्टेड इंटरेस्ट ये है ना सर कि अगर ये सारी इदारे चले जाएंगे तो ये अपने लोगों को भर्ती कहाँ करेंगे जियाल कहाँ जाएंगे जयालो को जो पर्ची लिख के देते हैं कि इसको रख लो या ये पता चला एक जहाज पर सौ आदमी को जो होते हैं वहाँ तीन सौ आदमी बैठा हुआ है यूनियन बना के बैठे हुए हैं और सब ये आए हैं पर्चियों पे अब बदापती ये जो जॉब्स हैं ये बिकती गया ना आप जो बात, वो की बात कर रहे हैं नहीं आप एक तरफ तो ये भी सही कह रहे हैं कि डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज्यादा भर्तियां की हैं लेकिन स्टील में क्या कुछ नहीं हुआ देखिये उसके अलावा बहुत कुछ हुआ है इन तमाम भर्तियों के अलावा डेफिनेटली ये भर्तियाँ जरूरत से ज्यादा जो हैं वो एक बोझ है ओवर एक लेकिन मैं आपको बताऊँ जो वन पॉइंट वन मिलियन टन का ये प्लांट है ऐसे ऐसे प्लांट दमाम में और ये ग्रुप के लगे हुए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा दो ढाई हजार लोग काम करते हैं यहाँ पच्चीस हजार लोग काम करते हैं वो जो आप बात कर रहे हैं ना प्राइवेट सेक्टर वाली वो अगर वो बगल में लगा देता इतने ही बड़ा प्लांट वो ढाई हज़ार लोगों से चला के या तीन हज़ार लोगों के साथ चला के दिखाता बड़ी एम्बेरसमेंट होती अगर आज भी आपको वो प्राइवेटाइज करके दे देंगे तो आप बहुत ईजीली उसको चार हजार रुपये नंबर ला सकते हैं क्योंकि फिर आपको ये फिक्र नहीं होगी कि रिश्तेदारों को नौकरी कैसे दी जाए नहीं मैं हम ये नहीं कह रहे हम फौरी तौर पर चार हज़ार रुपये नंबर भी नहीं लेके आएंगे हम किसी को बेरोजगार भी फौरी तौर पर नहीं करेंगे और हम ये भी नहीं कहते कि फ़ौर प्राइवेटाइज करके दे दें हम कहते हैं उसकी मैनेजमेंट हमें दे, दे दें आप मैनेजमेंट आप देखें और उसके बाद उसको हमें फुल क्या कहते हैं कंट्रोल दें आप हमारे हवाले करें और हम आपको पहले महीने से ही आपका डेफिसिट डेफिसिट खत्म खत्म करेंगे और रेलवे हमें आप दें आप जो चीज आपसे नहीं चलती ये आपका काम गवर्नमेंट का काम जो है वो बिजनेस करना नहीं है गवर्नमेंट का काम वो बिजनेस करना है वो बिजनेसमैन का काम है स्टेक होल्डर्स का काम है वो जो प्रोफेशनलिज्म हम में है वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो सकता बिल्कुल सही शेख साहब यहाँ आपके हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद फिर आ हैं दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाई बी आई Mayfuz? This program is brought to you by E O B I Kanara. Mehfuz, kai hamara. हाजी वेलकम बैक हम बात कर रहे हैं एफ पी सी सी आई रिकमेंडेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं शेख शकील अहमद डिंगरा साहब एक्टिंग प्रेजिडेंट ऑफ एफ पी सी सी आई एफ पी सी सी आई ने जो रिकमेंडेशन दी हैं जो आपने वेबसाइट्स पर अखबारों में हर जगह पढ़ा होगा उसी पर हम ज़्यादा तफसील ले रहे हैं डिंगरा साहब से अब तक दो पॉइंट हमने डिस्कस किए एक तो आ, सेल्स टैक्स के बारे में था जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगल डिजिट होना चाहिए और उसकी रीज़न उन्होंने बहुत बड़े कायदे से समझाई हमें दूसरी जो उन्होंने बात की हम अपने अब तक बात की है वो है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट किया उस पर उन्होंने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर से इनकी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई हैं बहुत सारी कमिटीज़ बनी हैं जो इन आ, जो आ, आ, पी वगैरह पे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको फिक्स करने के लिए वो काम कर रही हैं निगरा साहब का ये कहना है कि गवर्नमेंट का, का काम बिज़नेस चलाना नहीं है जो जो बिज़नेस उनसे नहीं चल रहे हैं लाइक रेलवे पी आई ए ये सब ये है ना प्राइवेट सेक्टर में दे दें ये कह रहे हैं कि स्टील मिल को हम एक महीने में प्रॉफिटेबल कर कर सकते हैं Now, come to the third point, uh, which you people have very rightly raised. You uh, said that uh, tax-to-GDP ratio is stagnant, and in fact, it is declining to 9% in uh, the recent year. The reason you have mentioned rampant tax evasion and poor collection system, suggesting identifying new taxpayers to increase the tax-to-GDP ratio. बड़ी फंडामेंटल आपने हाँ जी मैं रखा है जी बिल्कुल डेफिनेटली हमारे अपने जो यहाँ पे अपना इस मुल्क है इस रीजन के रीजन की उस रीजन में भी हमारा जो टैक्स टू जी डी है वो कम है और कम नहीं है बल्कि कम होता जा रहा है और अब जो है वो तकरीबन नौ परसेंट पहले दस ग्यारह होता था पे आ गए पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सी भी वजाहत कर दूं कि ये नौ परसेंट क्यों है और दूसरे मुल्कों में ज्यादा क्यों है आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चला जाए मैं जैसे नौ, अपना नॉर्वे गया था ओसलो में पांच दिन रहा बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गया वहाँ टैक्स टू जी रेशियो जो है वो मोर देन फिफ्टी है हम तो नौ परसेंट करते हैं हमारे फिफ्टी परसेंट हमारे रीजन में वो बोलते हैं कि सेवनटीन परसेंट अगर हो जाए तो, तो इट्स आइडियल अच्छा वहाँ पे देखें बात ये है कि मैं जब ओस्लो में गया नॉर्वे में रहा तो एक घर हमें चार सौ गज का कॉटेज हमें रिहाइश के लिए दिया गया तो शाम की टाइम ऐसे मैं निकलता टहलता हुआ गया कि ये भाई ये घर किसका है कौन यहाँ रहता है उसने कहा जी वो फलाना टैक्सी ड्राइवर है ये उसका घर है अच्छा अच्छा वो, वो, वो चार सौ गज के कॉटेजेस चार सौ गज के बहुत खूबसूरत कॉटेजेस तो वो पचास पचास जी टैक्सी ड्राइवर रह रहे वह वहाँ के हालात को हम यहाँ के हालात से मुताबिक उससे नहीं कर सकते यहाँ पे जो 9 परसेंट टैक्स टू जीडीपी डी है वो इस तरह है कि देखें जीडीपी में शेयर किस आइटम का कितना है देखें जीडीपी में शेयर 21 परसेंट जो है वो एग्रीकल्चर का है एग्रीकल्चर जो है वो 21 परसेंट और उसका कलेक्शन में यानी ये अपना हिस्सा जो है कलेक्शन के अंदर इट्स ज़ीरो 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 इसी तरह सर्विसेज जो है सर्विसेस का हिस्सा जीडीपी के अंदर इज अबाउट फिफ्टी परसेंट और कलेक्शन इज निगलेजेबल तो ये जब दो तक बड़े हाँ, के हिस्से निकल गए दो बड़े इकोनॉमी के और भी हिस्से निकल जाते हैं और ये जो नौ परसेंट अगर ताजर बिरादरी दे रही है तो वो नौ परसेंट नहीं है आप जीडीपी के उस हिस्से के हिसाब से देखें कि कितने परसेंट दे रही है इट्स नॉट नाइन परसेंट

देखिए शायद आपके इलम में होगा कि हुकूमत ने बहुत वाइडली एडवरटाइज़ किया और बताया कि उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है सत्ताईस लाख लोगों का और वो सत्ताईस लाख लोग कौन हैं ये सत्ताईस लाख लोग वो हैं जिन्होंने एक साल के अंदर एक दफ़ा से ज़्यादा अब्रॉड ट्रेवल किया और ये सत्ताईस लाख लोग वो हैं जिनके पास पाँच सौ गज से बड़ा घर है अच्छा और ये सत्ताईस लाख नादरा से है और इन्होंने अदर सोर्सेज से जो डाटा इकट्ठा किया उन्होंने कहा कि ये सत्ताईस लाख वो हैं जिनके पास एक से ज्यादा ऑटोमोबाइल है यानी गाड़ी एक से ज्यादा है एंड दे ऑल्सो हैफ्टी बैंक अकाउंट्स लेकिन वो एन टी एन में रजिस्टर ही नहीं उनके पास एन टी एन ही नहीं है सेल्स इनकम टैक्स के अंदर वो रजिस्टर ही नहीं है तो मैंने वहाँ पे बिजनेस पर्सन काउंसिल में अपना हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर से ये मैंने सवाल किया था मैंने उनको कहा था कि जनाब ये जो सत्ताइस लाख आपने डाटा इकट्ठा किया है इनको क्यों नहीं टैक्स नेट में लाते ये देखें टैक्स नेट जब तक वसी नहीं होगा यहाँ ये टैक्स टू जीडीपी डी रेशो ये सारी चीजें इनरेलीवेंट हो जाएंगी विल होनी चाहिए हुकूमत की और ये करना चाहिए वो मैंने उनसे उनसे ये सवाल किया था कि आपने इसलिए शायद नहीं किया उसमें ज्यादातर हैं ये पॉलिटिशंस है मैंने वहीं पे मीटिंग के अंदर मैंने वहां पे खड़े होकर ये सवाल किया कि क्या उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा हैं क्या General चीज़ है। आपको माने हैं General कि उनको से... आप टैक्स नेट के अंदर नहीं लेके आते आप उनको टैक्स नेट के अंदर लाएंगे तो फिर ही हमारा बोझ जो है वो हल्का होगा और ये टैक्स टू जी डी पी रेशियो जो है तब ही बढ़ेगा आप जितने आदमी टैक्स नेट के अंदर हैं जो कि तादाद के अंदर बहुत इंतहा कम है उसका एक और हमने उनको तरीका बताया हमने उनको कहा जी टर्की की एक मिसाल लें किसी भी एक देखें किसी एक मॉडल लें किसी मुल्क का टर्की के अंदर फुटपाथ के अंदर भी जो सेल रही हो रही होती है तो उधर वहाँ उन्होंने मशीनें रखी होती हैं और वो मशीन से जो है उसकी रसीद जनरेट होती है और टैक्स कटता है और वो जो फुटपाथ की सेल वाला है वो भी टैक्स जमा कराता है लेकिन वो लोग कैसे लेते हैं उन्होंने इंसेंटिव दी है कि जो परचेज़ करेगा घर की औरतें भी परचेज़ करेंगी और जो वो रसीदें उनको मिलेंगी वो रसीदें आप इकट्ठी करें वो और एक साल में जितनी रसीदें इकट्ठी करेंगी उसका दस परसेंट उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा अच्छा। अच्छा, नम्बर वन। नम्बर दो, उन्होंने उसके ऊपर लॉटरी रखी हुई है हर महीने वो जो करती है उसके ऊपर लॉटरी पे गाड़िया निकलती है और इनाम अच्छा।, अच्छा और वो जब औरतें जाती है खरीदारी करने के लिए इस इस वो बोलती है जी बिल हमें पहले चाहिए ही चाहिए हाँ उसके बाद खरीदना ही नहीं है जिसके पास जिसने बिल नहीं देना माल नहीं देना है ये तरीका कार नहीं, आप किसी को, करने की है मौजूद है आपके सामने मौजूद मॉडल दो, दो परसेंट से शुरू किया गया तीन परसेंट से शुरू किया गया वो दो तीन परसेंट से शुरू करने की वजह से एक दफा तो तमाम टैक्स के अंदर आ जाते हैं कोई खदेश नहीं होते अपना ड्रिकोनियन लॉज नहीं होते सहल और आसान मकसद है कि उनको तरीका दिया जाता है यहां तो आप मकसद है कि 16 परसेंट पे और नोटिसेस इशू हो रहे हैं वो पहले जो नई इस वक्त नेट में वो जो नेट में है उनका वो हाल देखते हैं तो घबरा के आते ही नहीं है और इस वक्त मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि इस वक्त जो टैक्स नेट के अंदर है सिर्फ वो हैं जिनके लिए इंतहा मजबूरी है कि वो टैक्स अगर किसी ने इंपोर्ट करना है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हो या कोई फैक्ट्री चला रहा है तो जो और फैक्ट्रियों में भी मैं आपको बताऊँ इंडस्ट्रीज पच्चीस परसेंट जो है वो सेल्स टैक्स रजिस्टर सेवेंटी फाइव परसेंट जो है वो नहीं है तो ये सारा काम जो है वो डंडे के जोर पे नहीं हो सकता ये तरीका और ना इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इनके पास इतनी फोर्स है कि वो एक एक को पकड़ के जो है रजिस्टर कर सके इनको पॉलिसीज़ ऐसी देनी होंगी जो उनको मकसद है कि लेके आए होता जैसा कि आप कह रहे हैं तो लोग खुद ही फिर हर साल एक साल बढ़ाते जाते आ, आ, ये वापस मकसद है कि आप इसको सोलह परसेंट ले आते ये नहीं है सोलह परसेंट टैक्स रेट ज्यादा नहीं है अदरवाइज लेकिन बाकी दुनिया में देखते हुए लेकिन ये ग्रेजुअली आया है लेकिन यहाँ के निजाम को देखते हुए कि यहाँ तो आधे से ज्यादा खाया जाता है इंडस्ट्रीज भी रजिस्टर्ड नहीं है नहीं है आप घी की इंडस्ट्रीज देखें जितनी और अपना रजिस्टर्ड है उससे ज्यादा अनरजिस्टर्ड है और इसी तरह हम लोगों ने तो उनको डिस्टे दी बहुत बहुत दफा कि भाई ये नहीं है और हम ये कहते हैं कि जो टैक्स नहीं देता और उस टैक्स नहीं देने वाले को आप पकड़े चाहे वो में से हो हम आपके साथ हैं उसको लटकाएंगे उसको पूरी सजा देंगे लेकिन हम इसमें बिल्कुल उनके किसी का साथ नहीं देंगे कि अगर वो टैक्स नहीं देता तो उसे टैक्स ना लिया जाए बचाएं आप उसको हाँ बिल्कुल अच्छा ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बातें की हैं और उसमें साथ साथ आपने विजन भी दिया कि किस तरह तरक्की की मिसाल ले लें ले और उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है मॉडल्स मौजूद हैं पोलिटिकल विल ना होने की वजह से सब कुछ नहीं होता अब एक और पॉइंट जो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट रेस किया है वो कॉर्पोरेट

तकरीबन तकरीबन पूरा टैक्स देता है अपने अकाउंट्स के ऊपर और इसी तरह मैं कहता हूं कि जो तनख्वाहार है वही देता है उसका कट जाता है वो मजबूर है कट जाता है उसका मजबूर है देता है तो जिनका और जो बिल्कुल नहीं दे रहे आप उनके साथ उनको कुछ ना कुछ तो देखें अच्छा ये बजट के जब सिलसिला शुरू हुआ तो शुरू में एक न्यूज आई एक बड़े मुस्त अखबार की रिपोर्ट थी ये जो आपने बात कही कि जो बेचारा सैलरीड क्लास है जो फंस गया है जो कि उसका कट रहा है उसमें यह था कि जो लोएस्ट लेवल है थ्री हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड विच ट्रांसलेट टू ट्वेंटी थर्टी वन थाउजेंड पर मंथ उसका जो अभी रेट है वो शायद डेढ़ परसेंट है उसको बढ़ा के ढाई परसेंट दस परसेंट करने की बात हो रही है और जो लोग थर्टी एट थाउजेंड कमा रहे हैं उनका शायद ढाई परसेंट है ढाई परसेंट को भी बढ़ा के दस परसेंट करने के बाद मतलब ये है कि इंडस्ट्री जो ऑलरेडी दे रहा है उसी को दबाए जाओ जो बेचारा सैलरी दे रहा है उसी को दबाए जाओ हम लोगों ने एक महीने पहले से इस बात को उठाया था अब तक लगता है वो तारिकान साहब तारिक खान साहब अगर मुझे इजाज़त देंगे जी जी तो वो इस इतनी ज्यादा इेलीवेंट नहीं है लेकिन शायद जो हम बात कर रहे हैं इससे थोड़ी सी इनरेलीवेंट हो कि मैं जब इस्लामाबाद में गया था तो वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के पास गया था डॉक्टर नईम हक के साहब के पास अच्छा और हमने वहाँ से हमें इतनी मायूसी हुई कि अगर हमारी प्लानिंग चेयरमैन प्लानिंग इज़ प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ और ऑल इन ऑल जो है वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग है वहाँ पे हमने उनको बताया कि यही बजट की प्रिपरेशंस के सिलसिले में टैरिफ रैशनलाइजेशन के लिए गए थे तो वो कहते थे कि हमने कहा कि ये एस आर ओ और ये सारा बात हुई तो हमने कहा ठीक है डेफिनेटली एस आर ओ कल्चर ख़त्म होना चाहिए लेकिन ग्रेजुअली इस तरीके से कि हमारी जो है इंडस्ट्री बंद ना हो जाए क्योंकि देखें जहाँ पे एक फिनिश प्रोडक्ट जिसके ऊपर 10 परसेंट ड्यूटी है और वो इंडस्ट्री उसका रॉ मटेरियल मंगा रही है तो ये लाजिम है हम पे कि उसको ज़ीरो रेट पे रॉ मटेरियल मंगाने दें ताकि वो बाल बाहर की जो प्रोडक्ट आ रही है उसको वो कम्पीट कर सके तो वो डॉक्टर नईमुलाक साहब का कहना था इंडस्ट्री तो हो जाए। My अच्छा God. ये 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 उनकी सोच My है। है सर आगे सुने आप उन्होंने कहा कि मेरी बात ये जो है, नहीं मानते मैं अमेरिका से आया था मैं अमेरिका वापस चला जाऊंगा oh, oh, oh. और उनको मकसद है इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी तो ये जॉब क्रिएशन कैसे होगी ये लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उसका क्या होगा उसने कहा आप फिक्र ही नहीं करें मैं अपना क्या कहते हैं गली गली के अंदर फास्ट फूड्स की चेंज दूंगा और वो जो है वो जॉब क्रिएशन करेंगी हमने कहा वो जॉब क्रिएशन करेंगी किसी के पास ढाई सौ रुपए का बन कबाब खाने के पैसे होंगे तो वो जॉब <laughs> क्रिएशन करेंगी ये नहीं चलेगा और मुल्क की प्लानिंग अगर ऐसे हाथों में होगी तो उस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है हमने हफीज शेख साहब को भी कहा है कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इसको इस सीट पर रहने दिया जाए मेरे, एक साथी, है मेरे से. एक साथी से उसने पूछा कि आपके पास लंदन में फ्लैट है उसने कहा नहीं बहुत गलत बात है जरूर होना चाहिए तो वो जिसकी नीयतें और जिसकी प्लानिंग ये है वो पाकिस्तान की क्या प्लानिंग करेगा भागने की तैयारी कर उसको तो बिल्कुल फौरी तौर पर फिल फौर उसको वहां से हटाना चाहिए वो नेशनल टेरिफ कमीशन के लिए इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था

आप मिसालें दे रहे हैं आप हमारे रीजन की मिसालें दें आप इंडिया की मिसाल दें आप चाइना की मिसाल दें आप बांग्लादेश की मिसाल दें आप छोड़े इनको, हम बात नहीं करें इंडिया को आप अमेरिका की बात करें इंग्लैंड की बात इसका करें अमेरिका बनाने के लिए आया सब एक और बहुत और ये भी हमारी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है ऐसे लोग जाते सर प्र, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है एक और बहुत अहम जो पॉइंट आप लोगों ने रेस किया हुआ है सी एन आई सी एंड एन टी एन ऑफ बायर्स

हमने उनको ये कहा कि वो ये किस लिए था कि वो अगर सी एन आई सी वो दस पाँच सौ जगह से पाकिस्तान में खरीदेगा तो उसने कितना खरीदा है उसका डाटा हमारे पास आ जाएगा और अगर एक मखसूस हाथ से ज़्यादा होगा तो हम उसको रजिस्टर कर लेंगे हमने कहा ये तरीका कार नहीं है ठीक और प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है कि आपके पास

नाजिन एफ पी सी सी आई रिकमेंडेशनस आपने सुने ये हमारी एपेक्स बॉडी है इस इनके पास हाइस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो तमाम माशी मसाइल जो हैं हमारे और माशी इशूज़ हैं इस पर नज़र रखते हैं डिंगरा साहब जैसे लीडर्स मौजूद हैं जो माशाला बोलते भी बहुत अच्छा हैं आप इन्होंने बहुत ही क्लियर कट सब जो प्रायरिटीज़ थी बताई हैं और मुझे बड़ी आ, बहुत कुछ सीखने को मिला है और इससे इन लोगों की सिंसियरिटी ज़ाहिर होती है जो ख़ास तौर तो से प्लानिंग कमीशन के साहब के बारे में उन्होंने बात की इसमें इनका गुस्सा भी शामिल था मुझे भी बहुत गु़स्सा आया है ऐसी बात सुन के कोई अमेरिका से आया है तो आया करें यहाँ हम लोग क्या बेवकूफ़ बैठे हुए हैं जो डिंगरा साहब जैसे लोग जो ग्रास रूट से ऊपर उठ के आए हैं मेहनत करके इतनी जॉब्स क्रिएट की इन्होंने वो कहता है कि ये बंद हो जाए ऐसे लोगों को हेल्प ऑफ अफेयर पर होने नहीं चाहिए डिंगरा साहब जैसे लोगों को लीड देना चाहिए ये दावा कर रहे हैं कि अभी अब स्टेट बैंक स्टील बिल जो आपका इतना पैसा खा रहा है दें अगले महीने से आपका खसारा मैं बंद करता हूँ इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कैसे साथ साथ मैंने कहा कि शायद आप जॉब कट करेंगे वो कहते हम जॉब भी नहीं कट करेंगे इससे अच्छा और क्या सजेशन हो सकती है जॉब भी कट ना हो और वो कॉम पे जो बोझ है वो भी ख़त्म हो जाए ए के रिकमेंडेशन को बिविंग द हाइस बॉडी ऑफ पाकिस्तान शुड बी टेकिन वेरी सीरियसली बाई एवी और ये जब बात करते हैं तो अपने कोई ज़ाती मफाद की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कौम की जॉब क्रिएशन आपके फ्यूचर की बात कर रहे हैं इन तमाम सजेशन पे आई होप कि गवर्नमेंट विल लिसन टू दैम डिग्रा साहब जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स मौजूद हैं ये जाते हैं मिलते हैं बातें करते हैं कन्विंस करते हैं इन शाला इन लोगों की मदद से मुल्क आगे बढ़ेगा जहाँ तक ये लोग लेकर आए हैं इससे और बहुत आगे जाने के रास्ते पर मौजूद हैं नाजन हमारे प्रोग्रामों पर आप फीडबैक देना ना भूलिएगा फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है बिजनेस फीडबैक एट बिज़नेस प्लस टी वी डॉट पी के आपके फीडबैक की मदद से हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं डिग्रा साहब जैसे लोगों को दावत देते हैं वो आपको बताते हैं कि आपके मसले क्या हैं उनके हल क्या हैं टर्की की जो इन्होंने मिसाल दी है माशाल्लाह इतनी प्यारी है उसको करने में क्या मुश्किल है वी नोट नीड टू री द व्हील ये जो वी कल्चर की इन्होंने बात की इस तरह की जो और बातें की हैं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हैं और ये दूसरे दुनिया में मौजूद है सिर्फ यहाँ पर विल की ज़रूरत है विल में जैसा कि इन्होंने एक बात बातों बातों में कहा कि जी इन्होंने हफीज शेख साहब से पूछा कि या ये जो टैक्स वालों से कि जो सत्ताईस लाख लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ तो उसके शायद जो जवाब यही है कि वो तमाम जो साहिब अकतदार लोग हैं आपके पॉलिटिशन्स हैं बेरोक्रेट्स हैं जर्नरल्स हैं उनका नाम उसमें असल में आ रहा है और उस पर वो हार डालना नहीं चाहते ये तो पोलिटिकल विल एक तरफ ये बरात तबका है और बाकी तरफ पूरी कौम है किस कौन प्रिवेल करेगा ये डि, डि, डिपेंड करेगा आप लोगों के पुश एंड डायरेक्शन पे नाजी इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ खुदा This program was brought to you by EOBI Kanara Mahfuz Kal Hamara